हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर नेट एसआरएफ गेट और भी कंपटीशन एग्जामों में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हम कोई एग्जांपल नंबर थर्ड पढ़ने वाले हैं। सॉल्व वाई बराबर माइनस पी एक्स प्लस एक्स फोर पी स्क्वायर, यहाँ पर पी बराबर है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अगर पहले तो कोई फैक्टर बन जाता है तो अच्छी बात है, बट इसमें कोई ऐसा फैक्टर में बनता हुआ नहीं दिख रहा जिसकी वजह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, तो वो तो पी इक्वल टू माइनस, अब इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो पहले इस टर्म का तो ये हो जाएगा एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, अब इस टर्म का तो इस टर्म का तो माइनस पी क्योंकि एक्स का तो वन हो जाएगा पी को छोड़ा तो, प्लस अब इस टर्म का क्या तो पहले इस टर्म का करेंगे या इस टर्म किसी भी टर्म का कर लीजिए, पहले इसका करूं मैं तो ये हो जाएगा थ्री सॉरी फोर एक्स क्यूब पी, और अगर इसका फोर एक्स क्यूब पी स्क्वायर और इसका करना चाहूं तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस टू पी सॉरी टू एक्स फोर और ये हो जाएगा पी डी पी अपॉन डी एक्स। अगर हम इस टर्म को पी को इधर ले जाना चाहेंगे तो पी को इधर ले जाना चाहेंगे तो ये साइड ये पी यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे हमारे पास टू पी हो जाएगा और इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, अब हम टू पी को ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से और यहाँ से टू पी को लिया तो ये हो गया टू पी और ये तो हमारे पास माइनस वन, और ये तो माइनस वन यहाँ से आएगा और पहले इसमें से टू पी को मन ले तो हो जाएगा हमारे पास टू एक्स क्यूब और ये हो गया हमारे पास पी टू एक्स क्यूब पी, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से टू एक्स क्यूब पी, हाँ, और अब इस दोनों टर्म से इससे और इससे इससे अगर हम लेना चाहें सॉरी यहाँ माइनस वन ये हो गया, इन दोनों टर्म से हम एक्स डी पी अपॉन डी एक्स को मन लेना चाहें तो प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स को मन ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास जब यहाँ से लेंगे तो टू एक्स क्यूब पी टू एक्स क्यूब पी बचा और यहाँ पे माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से हो गया हमारे पास टू पी प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स एंड ये हो गया हमारे पास सेकेंड टर्म और ये हो चुका है टू एक्स क्यूब पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो वो भी सॉल्यूशन देगा, इसको सॉल्व करें वो भी सॉल्यूशन देगा। अब फ्रेंड्स, हम इसको अगर सॉल्व कर लेते क्योंकि ये हमें इजी भी दिखाया है, अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस टू पी, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स उधर गया तो ये हो गया सॉरी वन अपॉन पी और ये हो गया डी पी इक्वल टू माइनस टू अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये आ जाएगा लॉग पी इक्वल टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर लॉग पी और इसको लिख सकते हैं इस साइड में ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास पी डॉट सॉरी लॉग टू प्लस सॉरी लॉग पी प्लस टू लॉग एक्स या टू लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग पी और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर को ये हो जाएगा लॉग पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग लेने के केस में ये आ जाएगा हमारे पास पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, या यहाँ से हम कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अब फिर ये हो चुका है हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं इस टर्म को, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं इसको,
ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर से अगर हम डी वाई को अकेला छोड़ दें और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स प्लस सॉरी एक्स और सी वन का यहाँ मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स आएगा तो प्लस हो जाएगा ये और ये प्लस सी टू। अब अगर हम दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दें तो x का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू सी टू एक्स प्लस सी, यानी वाई एक्स बराबर सी टू एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी वन और सी और सी टू जो है कॉन्स्टेंट है। अगर आप इसमें देखें तो वाई एक्स वाले दो बनते हैं हमारे पास, तो ये वाई एक्स बराबर सी टू, ये वाला वाई एक्स बराबर सी एक्स, ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा एक्स बराबर सी स्क्वायर एक्स, क्योंकि सी स्क्वायर भी एक कॉन्स्टेंट ही है फ्रेंड्स, सी स्क्वायर भी एक कॉन्स्टेंट है। तो इसको भी हम अगर सी पुट करने कर लें तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वाई एक्स वाई बराबर सी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।